रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर असद नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूवर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक रेमेडी है, टेरेंटुला हिस्पैनिका होम्योपैथिक रेमेडी। जैसा कि मेरा टॉपिक चल रहा है कुछ रेमेडीज़ के बारे में, ख़ासकर साइकोलॉजी ज़हनी नफ्सियाती अलामात में बयान करता हूँ, और ये मेडिसन जो मैं जिस टॉपिक पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उनका जो तरीक़ाकार है, यानी यूज़ करने का जो तरीक़ाकार है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज की जो हमारी रेमेडी है वो टेरेंटुला हिस्पैनिका, इसकी जो साइकोलॉजी नफ्सियाती और ज़हनी अलामात हैं वो मैं बयान करूँगा, और साथ में ये मेडिसन यूज़ करने का तरीक़ाकार आपसे शेयर करूँगा। टेरेंटुला की जो नफ्सियाती जो अलामात होती हैं, इसमें जुनून और पागलपन इस तरह का होता है कि पेशेंट पहले तो लड़ाई झगड़ा करता है और फिर वो पेशेंट गाली गलौज पर उतर आता है। इसके बाद जो पेशेंट में जो मेन अलामत इसमें पाई जाती हैं, वो जिस चीज़ पर हाथ पड़े या जो चीज़ हाथ आए तबाह करते, अपने कपड़े फाड़े, हंसे, गाए, यानी सॉन्ग्स गाए, बूढ़े आदमियों के सामने अपना मुंह बनाए, यानी ओल्ड एजिस जो लोग होते हैं उनके सामने अपना मुंह बनाता है, दौरा बेहोशी की नींद पर ख़त्म हो जाए, यानी ऐसे लोगों का जो जब दौरा पड़ता है तो जब वो कि बेहोशी की नींद करते हैं उसके बाद दौरा जो है वो ख़त्म हो जाता है, और ये चाहता है कि हर चीज़ हरकत में रहे, किसी को देखना बर्दाश्त ना करे, ये चाहता है कि उसके रिश्तेदार यानी जो उसके रिलेटिव्स वगैरह हैं या घर के अफराद वो उसके इर्द गिर्द बग़ैर किसी मकसद के घूमें। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जो है वो बेकार बैठे या सुस्त हो, यानी हर कोई हर टाइम हरकत में रहे। ये इसकी टेरेंटुला की जो नफ्सियाती जो अलामात हैं मैंने आपसे बयान की हैं, और ये जो मैंने जुमला अलामात बयान की, इन अलामात पर टेरेंटुला आप 1 एम्पावर में 5 ड्रॉप्स विद इन 1 टीस्पून वाटर में आप पेशेंट को पिला दें, और ये याद रहे कि ये 2 डोजेज़ आपने यूज़ करवानी है 1 वीक के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर आपने संडे को मेडिसिन दी तो नेक्स्ट संडे को आपने 5 ड्रॉप्स पेशेंट को पिलाने हैं टेरेंटुला हिस्पैनिका के, तो इंशाल्लाह ताला जुमला अलामात से या सिम्टम से पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। डियर व्यूअर्स, मेरा कुछ साइकोलॉजी जो अलामात या सिम्टम पर मेरी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, अक्सर औकात मेरे पास काफ़ी केसेस इस तरह के आते हैं तो मुझे डिमांड भी होती है कि मैं टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपना क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करूं। सो मैं इस बारे में अपनी वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। डियर व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और डिज़ीज़ किसी और रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह हाफ़िज़।